हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर की पंचम प्रश्न पत्र है ये सामाजिक अध्ययन का, ठीक है। इस वीडियो में हम इसी पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए, 2023 के तृतीय सेमेस्टर के सभी पेपर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप की भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, पूरा पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए, जो पहला क्वेश्चन आया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाइए। इस बार के एग्जाम में भी पानीपत से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सा क्वेश्चन अवश्य बनेगा, चाहे प्रथम युद्ध हुआ, चाहे द्वितीय युद्ध हुआ, चाहे तृतीय युद्ध हुआ। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो दूसरा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के मुख्य संगीतकार थे। तो अकबर के दरबार के मुख्य संगीतकार कौन थे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जाएंगे हम डी ऑप्शन के साथ, तानसेन। तानसेन जो हैं वो अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर के बचपन का क्या नाम है। तो जहांगीर के बचपन का नाम पूछा गया है, तो जहांगीर के बचपन का जो नाम था वो सलीम था। इसी प्रकार हम पहले ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे। कह रहा है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, अकबर ने करवाया था। हम थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपसे, कह रहा है शिवाजी की जो राजधानी थी वो कहाँ थी। तो शिवाजी की जो राजधानी है वो रायगढ़ में थी, इसलिए हम जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन छठा नंबर का कह रहा है, वास्को डी गामा भारत कब आया। पहला ऑप्शन है 1298, द्वितीय ऑप्शन है 1398, तृतीय ऑप्शन है 1498 और चौथा ऑप्शन है 1598। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो 1498, ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन हमने समझ लिए, 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। देखिए, इलाहाबाद की संधि कब हुई। तो इलाहाबाद की संधि की बात करूं मैं तो 1765, इसमें जाएंगे हम फोर्थ ऑप्शन के साथ। हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इलाहाबाद की संधि कब हुई, 1765 में। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। तो सहायक जो संधि प्रणाली है इसका प्रयोग किया था, किसने किया था। तो इसमें हम जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ, जाएंगे लॉर्ड बेलेजली, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रेरी घास का मैदान है। तो जो प्रेरी घास का मैदान है वो कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका या न्यूजीलैंड। तो जो प्रेरी घास का मैदान है ये उत्तरी अमेरिका में है, कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका। पहले ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है, कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। अब देखो, ये तो क्वेश्चन सभी का सही होगा, कंगारू जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंगारू। तो कंगारू कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया। इसलिए यहाँ से आपका बिल्कुल सही, सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ से कॉमन सेंस लगा के आपका सही हो जाता। इस प्रकार से 10 को ऑप्शन हमने देख लिए और 11वां ऑप्शन आपके सामने है। टोटल हिस्ट्री के पेपर में आपके 15 विकल्प पूछे जाएंगे,
रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है? तो रानीगंज अगर कोयला खान की हम बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, वीडियो को लाइक अवश्य करना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखिए 12वां क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। हम चले जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, तो जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये कब पारित हुआ? 1773 पहला ऑप्शन है, 1784 दूसरा ऑप्शन है, तीसरे ऑप्शन में 1763 और चौथे ऑप्शन में 1813। तो एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट वाला आपको बताना है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो इसमें हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ, चले जाएंगे 1784। क्या हो जाएगा? 1784। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई, तो भारत में जो डाक प्रणाली है ये कब प्रारंभ हुई? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो भारत में जो डाक प्रणाली है ये हुई है 1766 में। कब हुई है? 1766 की बात है, जब पहली बार भारत में डाक प्रणाली प्रारंभ हुई थी, 1766 आपको याद रखना है। देखिए इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन टाइप का जो विकल्प आपके 15 हैं, ये 15वां विकल्प जो है वो लास्ट है। इबादत खाना का निर्माण करवाया था, तो जो इबादत खाना है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें हम जाएंगे अकबर के साथ, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो 15 के 15 क्वेश्चन जो 2023 के पेपर में हिस्ट्री में पूछे गए हैं, इसमें क्लियर हो गए। अब बात हम करेंगे अति लघु क्वेश्चन की, क्योंकि 15 आपसे अति लघु क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। देखो 15 अति लघु क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ते हुए चलना, यहाँ से आपके इस बार भी पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि डीएलएड में क्वेश्चन जो है वो रिपीट बहुत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? 16वां क्वेश्चन कह रहा है अकबर ने किस धर्म की स्थापना की, तो आपका आंसर हो जाएगा दीन ए इलाही। क्या हो जाएगा? दीन ए इलाही, ये इसका आंसर हो जाएगा, दीन ए इलाही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन कह रहा है स्थाई बंदोबस्त के दो लाभ लिखिए। तो स्थाई बंदोबस्त में क्या था? स्थाई बंदोबस्त में कंपनी लगान की निश्चित जो राशि थी उसे मिलने का आश्वासन मिला था कंपनी को। ठीक है, और लगान ना देने की स्थिति में भूमि को बेचकर लगान देना होता था। ये थी स्थाई बंदोबस्त के लाभ। नेक्स्ट है इसमें और क्या कह रहा है, टैगा प्रदेश, टैगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखो टुंड्रा और टैगा, ये आप अच्छे से पढ़ के जाना, टुंड्रा और टैगा से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक आपका यही वाला क्वेश्चन टैगा और दूसरा याद रखना टुंड्रा, ये दो क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। क्या है? टुंड्रा, टैगा और टुंड्रा को आप अच्छे से पढ़ के जाना, यहाँ पे एक शब्द में काम हो जाएगा। टैगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं शंकुधारी वन। कैसे वन पाए जाते हैं? शंकुधारी वन पाए जाते हैं, या आप कह सकते हो शंकवाकार वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो 19वां जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 19वां क्वेश्चन कह रहा है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा की बात कर रहा है, तो सहारा जो मरुस्थल है वो उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका, ये आपको ध्यान रखना है। सहारा कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि आप ये बताओ वन संरक्षण क्या है? ठीक है, वन संरक्षण क्या है? तो देखो हमें क्या करना है वन संरक्षण में, भाई वनों को काटने से रोकना है। क्या करना है? वनों को आपको काटने से रोकना है। ठीक है, और जो वन होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको खाद पानी, ठीक है, इसकी आपको व्यवस्था करनी है। यही आएगा वन संरक्षण के अंतर्गत, यानी वनों को काटने से बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा वन को पौधों को लगाना है, उनकी अच्छे से देखभाल करनी है, खाद पानी व्यवस्था सब कुछ देखना है, रोग कोई ना लगे, ये वन संरक्षण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वन से प्राप्त होने वाले दो अप्रत्यक्ष लाभ, तो अप्रत्यक्ष लाभ कौन से हैं? देखो
सबसे पहले तो आपको पता है जो वन है, वन जो है पेड़ पौधे हैं या वन है, इनसे आपको हमें आपको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, ऑक्सीजन मिलती है, यह बात आपको ध्यान रखना है। और ये इनसे क्या मिलता है हमें वनों से, देखो तो फल फूल मिलते हैं, हैं औषधियाँ मिलती हैं, इमारती लकड़ी लकड़ी जो है वो मिलती है, यही आपको लिखना था इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, संसद के तीन अंग कौन कौन से होते हैं, ये पूछ रहा है। तो संसद के तीन अंग कौन कौन से हैं, पहला आप लिख देते हैं लोकसभा, पहला क्या हो जाएगा इसमें लोकसभा, ठीक है, और दूसरा दूसरा हो जाएगा इसमें राज्यसभा, दूसरा क्या हो जाएगा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीसरा क्या हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है, ये आपको लिखना था लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए अब 23 पर, भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है, जैसे तीनों सेनाओं का मतलब थल सेना वायु सेना और नौसेना, थल सेना वायु सेना और नौसेना, ये जो तीनों सेनाएं हैं इनका जो प्रधान है वो कौन होता है, ठीक है। तो अगर हम जल थल सेना वायु सेना और नौसेना के प्रधान की बात करें तो हो जाएगा हमारा इसमें राष्ट्रपति, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा राष्ट्रपति, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। अब देखो नीति आयोग की बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो योजना आयोग था ना, तो योजना आयोग का नाम बदल के अब क्या हो गया है, नीति आयोग हो गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष जो होता है ना वो होता है प्रधानमंत्री, कौन होता है राष्ट्र का प्रधानमंत्री, ये आपको ध्यान रखना है, कौन होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25वां क्वेश्चन है, देखो लोक अदालत किसे कहते हैं, तो लोक अदालत किसे कहते हैं ये बात आप अच्छे से समझ लो। जैसे जैसे मान लो अपने भारत है, ठीक है, भारत के लोगों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय हुआ या उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए जनहित याचिका दायर की जाती है, यही तो है ना, तो इसमें जनहित जो याचिका होती है तो कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है, ठीक है, इसमें ये लिखना था आपको जनहित याचिका में, सॉरी एक मिनट, मैंने आपको आंसर इसका बता दिया जनहित याचिका का, ठीक है, लोक अदालत में कुछ और होगा वो मैं बाद में बता रहा हूँ, चलो जनहित याचिका का पहले समझ लो। तो जनहित याचिका में क्या था, जनहित याचिका में यही है आपका कि कोई कि भारत का भारत के लोगों को सीधे क्या है सर्वोच्च न्यायालय और या उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए जनहित याचिका दायर की जाती थी और इसमें भारत का कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है। अब लोक अदालत समझ लिए, लोक अदालत क्या होता है, तो लोक अदालत में क्या होता है, जो विवाद होती है ना उन विवाद को हम आपसी सुलह के माध्यम से निपटाते हैं, या कह सकते हो हम आपसी बातचीत के माध्यम से विवाद को निपटाना ही क्या कहलाता है, लोक अदालत कहलाता है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे पहुंच गए, कह रहा है कर की विशेषताएं बताओ, तो भाई कर की क्या विशेषताएं, अब आपको ध्यान रखना है, देखो कर की क्या विशेषताएं, जो कर होता है जो भारत सरकार के लिए हम जो टैक्स देते हैं, ठीक है, उस टैक्स को का जो है वो निश्चित समय पर भुगतान करना होता है, और निश्चित समय पर अगर भुगतान नहीं करोगे तो उसमें दंड का भी प्रावधान होता है, हैं, जो हम टैक्स देते हैं तो टैक्स देने के बाद हमें क्या सुविधाएं मिलती हैं, जैसे हमारे आसपास जो सुविधाएं हैं जैसे परिवहन है विभाग है, जैसे हम सड़कों पे चल रहे हैं या फिर रेल है, इनके माध्यम से जो हम चल रहे हैं तो वो टैक्स का यूज यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, अब देखो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से लेके और 1956 तक चली, कब 1951 से लेके 1956 तक चली है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अपने पहुंच गए बेटा 29 पे, ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चे को ये पेपर मिल जाए। देखो ई बैंकिंग क्या है, ई बैंकिंग ई लग गया, जहाँ पे ई लग जाता है ना ई, तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक
और बैंकिंग का मतलब बैंकिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से पैसे का लेन देन होता है। अब जैसे मान लो इंटरनेट नहीं था, ठीक है, इंटरनेट नहीं था तो पहले क्या था, पहले पेन का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, तो पेन के इस्तेमाल करने में बहुत सारा समय लगता था, आपको पता है। तो अब पेन का ज़माना नहीं है, अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इंटरनेट के माध्यम से चलती है, ठीक है। इसमें क्या है, आप पैसे का जो ट्रांजैक्शन है वो आप घर बैठे भी कर सकते हो, जैसे आप अपने नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, आप अपने फ़ोन से भी पैसे का लेन देन कर सकते हो। तो यही सब ई बैंकिंग में लिखना था, ठीक है। तीसवां क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई। देखो जो भूमि विकास बैंक है इसकी स्थापना की गई है 26 मार्च, कब की गई है, 26 मार्च 1957 को, 26 मार्च 1957 को भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई, ठीक। अब अपने लोग चलते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर। हमने 15 क्वेश्चन पढ़े विकल्प वाले और 15 क्वेश्चन पढ़े हमने अति लघु वाले, टोटल हम 30 क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब हम चलेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर। देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन हम आपको सॉल्व नहीं कराएंगे, क्योंकि सॉल्व इसलिए नहीं कराएंगे, वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, ठीक है, और सॉल्व कराने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि पेपर में क्या क्या आया था। पेपर आप तक पहुँचाना हमारा माध्यम, हमारा काम है आप तक पेपर को पहुँचाना, ठीक है। तो आप देखो 31वां क्वेश्चन पूछा गया था, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में बताइए, दोनों के उदाहरण लिखिए, यानी नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय वाला ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, वन कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका के प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन तक पहुँच गए। अब आगे देखिए 35वां क्वेश्चन क्या है। टोटल आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 नंबर के पेपर में। महाद्वीप किसे कहते हैं, सभी महाद्वीपों के नाम लिखिए। अगला 36वां क्वेश्चन पूछा गया था, शिवाजी का शासन प्रबंध, तो शिवाजी का शासन प्रबंध लिखना था। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इस क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे कि आपको दिखाई दे दे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री के ये मात्र 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि ज्योग्राफी आपके क्वेश्चन आपके से ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आप ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ के जाना, भूगोल को आप अच्छे से पढ़ के जाना, भूगोल के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं हिस्ट्री की अपेक्षा। देखो मुगल साम्राज्य के पतन के क्या समीक्षा है, तो मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण है, ये 3 क्वेश्चन थे, शिवाजी का शासन प्रबंध, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या किया, और मुगल साम्राज्य का पतन, ये 3 हिस्ट्री के हैं। जल संसाधन से आप क्या समझते हो, प्रकृति में जल वितरण का किस प्रकार है, जल का वितरण किस प्रकार है, जनपद स्तर पर कौन से न्यायालय होते हैं, इनका विवरण। तो देखो हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन हैं, देखो यहाँ पे देखो 35वां और 39वां और 40वां, 3 क्वेश्चन तो आपके हिनी पे हिस्ट्री के दे रखे हैं, और भूगोल के। अब देखो यहाँ पे देखो कितने भूगोल के क्वेश्चन आए हैं, 3, वो दक्षिण अमेरिका 4, वन 5, लोकसभा 6 और 7, यानी हिस्ट्री पोल्टी, ठीक है, हिस्ट्री और पोल्टी, ये दोनों आप अच्छे से पढ़ लेना, और ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।